कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस तरह की फीलिंग है, हर किसी को चाहिए एक टाइटल करोड़पति बनने का और आप फाइनली बन चुके, तो किस तरह की फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है. इट्स नॉट ऑफन दैट यू गेट दिस फीलिंग, गेट दिस टैग, गेट दिस टाइटल. अमेजिंग फीलिंग देयर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहले आप कब से फॉलो कर रही थी करोड़पति? जिस दिन से करोड़पति केबीसी स्टार्ट हुआ है उस दिन से फॉलो कर रही हूँ और ट्राई भी कर रही हूँ फर्स्ट सीजन से ही. इस बार लक ने फेवर किया तो पहुंच गई हॉट सीट पे. Have you ever thought of being be or this title कि मैं बनूंगी, और या कभी आपने सोचा कि if I could be at this place I could have done better, या शायद मैं इस पर हो सकती थी? नहीं, कभी भी ऐसा वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं आया था कि मैं केबीसी शो की करोड़पति कंटेस्टेंट बन जाऊंगी. ठीक है, मुझे अपना लेवल जहां तक लगा था 12-13 क्वेश्चंस तक तो मैं कर सकूंगी लाइफ लाइन्स यूज करके, बट दिस वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. एक बार 320 जो पड़ाव था वो जब मैंने क्रॉस किया तो एक कॉन्फिडेंस आया कि अपन इतना तक तो पहुंच गए हैं, लाइफ लाइन्स है 3, सो इफ कोई ब्लंडर नहीं कमिट किया तो मैं आगे तक थोड़ा जा सकती हूँ. बट एक वन मतलब 15th क्वेश्चन तक पहुंचना विदाउट लाइफ लाइन वो एक अनएक्सपेक्टेड था. यस. सो हाउ डिड यू मतलब किस तरह से प्रिपेयर किया जब आपको पहला फोन कॉल आया, तो किस तरह की एक्साइटमेंट थी, सबसे पहला कॉल किसको किया, किस तरह से आपने वो मैसेज, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि बीइंग अ करोड़पति में जाना इट्स अपने आप एक ट्रॉफी. यस. वो आपके लिए किस तरह का था? फोन कॉल जब फर्स्ट आया और मुझे जो डेट दिया गया था उसके भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, हार्डली 15 डेज. तो वो 15 डेज तो मुझे 24 घंटों को 48 घंटे बनाने थे. एज मच एज आई कुड आई ट्राई टू पुट इन माई एफर्ट, बट जितना डीपर जा रही थी उतना डर बढ़ रहा था, क्योंकि नॉलेज इज़ अ वास्ट फील्ड, यू नो, आप उतना अचीव नहीं कर पाओगे जितना आप सोचोगे. जितना डीपर जा रही थी उतना डर लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता है. एंड इतने टॉपिक्स होते हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं, किसे टच करूँ, किसे छोड़ूँ. तो एंड तक तो एक वो होपलेसनेस वाली फीलिंग आ गई थी कि नहीं कर पाऊंगी मैं, जो है प्रीवियस नॉलेज उसी से मुझे अटेम्प्ट करना है. सो केबीसी इज एक ऐसा माध्यम है जहां पे हर चीज का हर ज्ञान होना चाहिए, आप एक खुद अपने आप एक टीचर है, तो आप किस ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कह सकते हैं कि हां ये शायद मेरे लिए टफेस्ट हो सकता है या मेरा वीक पॉइंट हो सकता था? हां, स्पोर्ट्स था मेरे लिए. मैंने अपने बेटे को बोल रखा था कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो जोड़ीदार को तभी बुलाऊंगी मैं, बट मुझे ऐसा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन स्पोर्ट्स का नहीं आया तो बच गई थी मैं. आपने अपने बेटे के साथ भी जोड़ीदार किया था, तो वो किस तरह का घर था? फ्रेम विद अमिताभ बच्चन, योर सन एंड यू, हाउ वाज इट? आई मीन वो जो इंटरेक्शन था मेरे बेटे के साथ उस समय, मुझे यूँ लग रहा था हम घर के डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई सीरियस मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं. देर वॉज नो अमिताभ बच्चन और केबीसी सेट एट दैट टाइम. वो अपना कोई एक राय दे रहा है, मैं उससे और टेस्ट कर रही हूँ. एंड फाइनली यू नो उसे देख के, उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि मैं हमेशा बच्चों के राय मशवरों को रेस्पेक्ट करती हूँ. उस दिन भी मैंने यही किया कि ये बोल रहे इतने कन्विक्शन से तो ज़रूर कुछ इसके अंदर बात होगी, एंड परहैप्स वही मुझे वो क्वेश्चन को पार करने में मदद किया. फर्स्ट स्टेप ऑन जब हॉट सीट पे हम बैठते हैं तो कितनी नर्वस थी, क्या सबसे पहले थॉट क्या चालू था माइंड में? हॉट सीट बहुत ऊंचा है तो पहले तो ऐसे लगा मैं बैठ पाऊंगी, बट अमित जी हेल्प किए एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. वो चेयर पकड़ के बैठाते हैं, फेल्ट लाइक अ क्वीन एट दैट टाइम. बट इमीडिएटली आफ्टर दैट वो प्रेशर फील होने लगा, टेंशन फील होने लगा. एंड पहले 2-3 क्वेश्चंस में टेंस थी थोड़ी सी, फिर आई गॉट इनटू द ग्रिप ऑफ द सिचुएशन. जैसे मैं बात कर रही हूं अमिताभ जी की, आपके चेहरे पे एक अलग सी ब्लशिंग नजर आ रही है, तो जब से सबसे पहले जब उसको देखा तो क्या महसूस? आई एम इन ऑ ऑफ दैट मैन ऑलवेज, हमेशा से मैं उनकी बहुत बड़ी फैन, बहुत ही इज्जत करती हूँ मैं उनकी, और उनको अपने सामने देख के बस ये तो एक ड्रीम कम ट्रू था. सेकेंड डे तो मुझसे रहा ही नहीं गया, वो इतने हैंडसम लग रहे थे मैं बोले बिना रह ही नहीं पा रही थी. इतने वो टफ सिचुएशन में मुझे लगा ये बात मुझे उन्हें कन्वे करनी पड़ेगी. आपने उनके लिए कुछ तोहफे भी, जैसे हमने देखा कि कुछ तोहफे भी लेके आई थी उनके लिए, तो क्या कुछ डिफिकल्टी रही कि नहीं ये अच्छा लगेगा, कुछ ऐसा महसूस था कि ये देना चाहिए वो देना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज ये तो एक हमारा एक तरीका था मार्क ऑफ रेस्पेक्ट उनको शो करने के लिए. उसमें ऐसा कोई
अच्छा बुरा का बात नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बहुत इज्जत दिया हमारे उस छोटे से गिफ्ट को जो मैं आसाम के लोगों की तरफ से उन्हें पहनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने सुना है कि आसाम के लोग बहुत ही आसाम के लोग बहुत ही स्वीट होते हैं काफी, तो आप थोड़ा सा और यू बता आर डेफिनेटली नॉट रॉन्ग, दे आर दीजिए। वेरी स्वीट, वेरी वॉर्म और बहुत सिंपल लोग हैं आसाम में। एंड आसाम इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, जो टैग लाइन है आसाम का, ऑसम आसाम, दैट्स वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। फाइनली जब टाइटल मिल चुका, सब एवरीथिंग डन, यू विन द प्राइज मनी, यू विन द कार, हाउ वाज द फीलिंग? एंड सबसे पहला कॉल किसको कि यस आई एम डन, आई हैव अचीव दिस फीलिंग, आई हैव अचीव द घर वालों को ही कॉल करके बताया सब ओके। कुछ और इमीडिएटली आ ही गए थे घर हम लोग सबके साथ खुशी शेयर करने। व्हाट नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी योर मेन स्टे। व्हिच इज मोर डिफिकल्ट टू यू, प्रमोटिंग और केबीसी? इंटरव्यूज और केबीसी ज्यादा डिफिकल्ट? क्या डिफिकल्ट रहा आपके लिए? एट प्रेजेंट इंटरव्यूज आर वेरी डिफिकल्ट मोर देन केबीसी।